कलयुग में राम नाम की महिमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री कृष्णास लाइफ चैनल पर। हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर सृष्टि को चार युगों में विभाजित किया गया है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रथम तीन युग सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में मनुष्य अपने पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए दान धर्म, यज्ञ, तप आदि किया करते थे, परंतु कलयुग में अपने पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु तथा मोक्ष प्राप्त हेतु संत गोस्वामी तुलसीदास जी नाम जप का वर्णन करते हैं। राम शब्द और ओम शब्द एक ही प्रकार की ध्वनि ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। ओम शब्द जहां पर निर्गुण व निराकार स्वरूप का प्रतीक है, राम शब्द वहीं पर साकार स्वरूप को प्रदर्शित करता है। राम शब्द का उच्चारण हमारे शरीर के साथ चक्रों में से हृदय चक्र से लेकर सहस्रार्थ चक्र तक को प्रभावित या क्रियान्वित करता है। राम शब्द का उच्चारण नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। राम शब्द की महिमा के कारण ही हनुमान जी चिरंजीवी है और अमर होकर सर्वशक्तिमान हो गए हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार नाम जप की महिमा। राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम मन दीप धरु, जीभ दोहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहे सी उजियार। अर्थात जिस प्रकार किसी कोठी अर्थात कमरे की दहलीज पर रखा दीप उस कमरे के अंदर तथा बाहर दोनों तरफ प्रकाश करता है, उसी प्रकार राम नाम का दीपक भी मन के अंदर व बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलाता है। तुलसीदास जी नाम जप की महिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि राम जी का नाम राम जी से भी बड़ा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया है, उसी प्रकार राम नाम हजारों लाखों लोगों का उद्धार करने में समर्थ है। जिस प्रकार राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ा था, उसी प्रकार राम जी का नाम हमारे डर, क्रोध आदि को तोड़कर हमें निर्भरता प्रदान करता है। तुलसीदास जी नाम जप की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम का स्मरण करता है, उसे सपने में भी किसी भी प्रकार के कष्ट का भय नहीं रहता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव राम नाम की महिमा से ही अविनाशी है, वह अमंगल वेशभूषा में भी परम मंगलमय है। तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद मुनि, हनुमान जी, भक्त प्रहलाद, ध्रुव आदि सभी नाम के प्रताप से ही इतने ऊपर उठे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भाव से, कुभाव से, खीज से या आलस्य से किसी भी रूप में यदि आप नाम जप करते हैं, तो राम नाम की शक्ति आपको इस भवसागर से पार करने में सहायता प्रदान करती है। राम नाम की महिमा श्री कृष्ण के द्वारा। श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम का नित्य स्मरण करता है, वह सभी मनोकामना की पूर्ति करने में समर्थ है, उसके घर में सब कुछ मंगल ही होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गया, पुष्कर आदि तीर्थ भी राम नाम की बराबरी नहीं कर सकते हैं। जो राम नाम का स्मरण करता है, वह चारों वेदों के ज्ञात के समान होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती का सबसे बड़ा तीर्थ राम नाम ही है। राम नाम की महिमा पर विभिन्न संतों के विचार। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, घोर संचार बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य विवश होकर भी यदि भगवान नाम का उच्चारण करता है, तो वह तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और वह उस पद को प्राप्त कर लेता है जिससे भय भी भय मानता है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, इस संसार के मूल आधार परमात्मा ही है। अथ अनन्य भाव से उनके नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन करना चाहिए। मनुष्य को प्रत्येक कर्म भगवान के नाम का स्मरण या उच्चारण करके ही प्रारंभ करना चाहिए।
अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।